सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ डेल का 3520 लैपटॉप 15 इंच का, जो कि हमारा i5 वाला मेरा ये मॉडल है। पूरा मेटल से बॉडी वाला ये लैपटॉप है। सो आइए गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड तुरंत रिव्यू करते हैं इस पूरे लैपटॉप को। सो डायरेक्ट मैं लैपटॉप निकाल देता हूँ। तो पहले ही मैंने ये लैपटॉप निकाल लिया है और पूजा वूजा करने के बाद मैं आपके लिए दोबारा से इसे अनबॉक्सिंग करके दोबारा से इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ये लैपटॉप हमारा निकलता है और आप देख सकते हैं मैंने इस पर स्वास्तिक बनाया है। और जो ये लैपटॉप है गाइस, इसकी जो पूरी बॉडी है ये मेटेलिक है और साथ में मैंने इसमें वायरलेस अपने नए कीबोर्ड का भी ये लगा दिया है मैंने सेंसर। सो ये इसी के साथ मैंने परचेज़ किया है वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड, जो मुझे डिस्काउंट के साथ इस पे साथ पड़ा है। और यहाँ आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में, इसमें आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI, एक नॉर्मल हमारा पोर्ट मिल जाएगा और एक टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, जो कि इसमें प्लस पॉइंट है। और राइट साइड में हमारा एक कार्ड रीडर मिल जाएगा और यहाँ हमारा एक अगेन USB हमारा मिल जाएगा पोर्ट, एंड यहाँ हमारा एक हेडफोन जैक का भी ऑप्शंस है। सो अब इसे ओपन करते हैं श्री गणेश करते हुए। सो यहाँ हमारा ये पूरा एक मेटालिक बॉडी, इसे क्लेम किया गया है बट आई डोंट थिंक कि एक मेटालिक बॉडी ये लैपटॉप है। व्हेन आई ट्राई टू कोलाइड विद द मेटल, सो इट डजंट, कि इसमें से साउंड वाला मेटल वाला निकलता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मेटल प्लस प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है, या फिर प्लास्टिक पे मेटलिक एक कलर होता है वो किया हुआ है। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एकदम हमारा इसमें बैकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा। और जो ये मेरा मॉडल है, ये i5 12th जनरेशन हमारा लैपटॉप है, जिसमें जो डिस्प्ले है, जो हमारी डिस्प्ले है, लेट मी शो यू। सो जो डिस्प्ले है ये हमारी 15 इंच की फुल डिस्प्ले मिल जाएगी। एंड यहाँ हमारा एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसे ऑन करें तो यहाँ ये पावर बटन की एज अ पावर बटन एक्ट होता है। सो यहाँ हमारा ये लैपटॉप ऑन होने जा रहा है। तो ये हमारा हो गया लैपटॉप ऑन। सो अगर मैं इसका टच जो लॉक है इसे टेस्ट करूँ तो आप देखेंगे जो रिस्पॉन्स होगा, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आपको इसमें मिलेगा। एंड यहाँ आपको मैं पहले मुझे यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा अपने वाईफाई से, लेकिन बिफोर दैट लेट मी शो यू सम डिटेल्स इन दिस डिवाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द सेटिंग्स एंड सी इसके स्पेसिफिकेशन। सो यह हमारा जो सिस्टम है इसकी प्रॉपर्टी में मुझे जाना होगा एंड इन अबाउट, एंड यू विल सी दैट ये हमारा 12th जनरेशन का लैपटॉप है। 16 GB इसमें हमारी रैम मिल जाएगी, जो मैंने लिया हुआ है ये i5 कोर जनरेशन 10, और इस जो इसकी स्पीड होगी 1.3 GHz की। एंड राइट नाउ इसमें मुझे एक तो एक एडवांटेज मिला है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का पूरा लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है, और मैंने इसमें 3 ईयर्स के लिए डैमेज प्रोटेक्शन लिया है, जो मुझे 4,500 का मिला है, ठीक है। तो ये लैपटॉप मुझे अराउंड 71,000 रुपीज़ का पड़ा है विद 3 ईयर्स डैमेज प्रोटेक्शन। एंड और साथ में मेरे को ये मैंने वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड लिया है। सो अगर हम यहाँ इसमें टास्क मैनेजर सो आप देखेंगे फुल डिटेल में। सो अभी राइट नाउ हमारी जो मेमोरी है, लेट मी गो टू इन मेमोरी। सो राइट नाउ जो मेमोरी है इसमें 44% अभी सिस्टम ही ले जा रहा है, ठीक है, और CPU 2%। एंड यहाँ हमारी डिस्क देख सकते हैं, ये हमारी डिस्क है 512 GB की, और GPU हमारा इसमें जो ग्राफिक है वो इंटेल RS सी ग्राफिक्स मिल जाएगा।
एंड या सो ये बेसिक डिटेल्स है इसमें। एंड आप देखेंगे जो इसमें हमारा मेमोरी है, इसमें 6 GB हमारा मेमोरी सिस्टम ले जा रहा है, ठीक है। सो और मैंने इसे एक्सपेंड किया था 12, ये 8 GB रैम का था, मैंने इसे अपग्रेड कराया और ये अराउंड हो गया हमारा 16 GB का। सो मुझे क्योंकि हैवी वर्क करना था मुझे, और मुझे रैम की प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि मेरा जो पहले वाला लैपटॉप था वो 4 GB का था, इंस्पिरॉन का था, मुझे 4 GB रैम का था। एंड आई वॉज जस्ट पिस्ड ऑफ बाई दैट लैपटॉप एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू अपग्रेड माई लैपटॉप एंड फाइनली आई डिड टूडे यूजिंग माई यूट्यूब मनी। सो या सो दैट्स अ शॉर्ट रिव्यू एंड व्हाट आई कैन टोल्ड यू टेल यू मोर। सो गाइज अगर हम इसमें देखेंगे जो ये रोटेशन है इसका, अगर मैं ओपन एंड क्लोज करता हूँ तो पीछे से एक गैप बनता है, ठीक है। वो गैप जो क्रिएट होता है उसकी वजह से जो एयर होगी, हीट होगी, वो पास आउट होने में काफ़ी हेल्प होगी लैपटॉप से। एंड इसमें जो मेजर ड्रॉबैक मेरे हिसाब से है वो इसकी जो इसमें मेजर ड्रॉबैक हो सकती है, उसकी बैटरी हो सकती है। सो इसमें क्लेम तो किया गया है कि 7 hours का बैकअप मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो मोर देन 3 hours ये वर्क करेगा। सो या बैटरी इज़ अ बिग इशू इन दिस एंड हीटिंग कुड ऑल्सो बी अनदर इशू। और जो इसके कीबोर्ड जो कीबोर्ड कीज़ है, इसमें आपको बैकलिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो लेट मी शो यू बाय प्रेसिंग द ये रहा हमारा कीबोर्ड बैकलिट का, और मुझे लाइट टर्न ऑफ करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये बैकलिट का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा और बैकलिट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल और ऑलराउंडर लैपटॉप है अगर आप लेना चाहेंगे। सो इंस्टॉल में आपको मिलेगा डेल का, आपको डेफिनेटली डेल एक ट्रस्ट वर्थी ब्रांड। एंड और यहाँ आपको एक टच स्क्रीन का मिल जाएगा, ये टच पे स्क्रीन। तो ये ध्यान रखना गाइज, ये जो टच स्क्रीन का ये हमारा जो बटन है ये बेसिकली एज अ पावर बटन भी यूज़ हो रहा है इसमें। और यहाँ आपको इसमें बैकलिट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है आपको। ये पूरा कीबोर्ड है और 15 inch का, तो मैंने एक कीबोर्ड इसी में देखा था 3520 का, वो 13th generation था और उसमें 16 inch की डिस्प्ले थी। सो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, और उसका प्राइस 80,000 rupees था, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगा मुझे, इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया। एंड जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये लैपटॉप कैसा लगा। सो अगर मैं अभी इसे यूज़ करूँगा 2-3 दिन, उसके बाद मैं इसके बारे में और अच्छे से कह पाऊँगा। और विल कम विद अनदर वीडियो, आई विल कम विद अनदर वीडियो।